स्टार्टिंग द मिसिंग नंबर, इस टॉपिक में आपको एक पैटर्न दिए जाएंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, डिफरेंट शेप के स्ट्रक्चर दिए जाएंगे आपको, उस स्ट्रक्चर में एक पैटर्न फॉलो करा किया हुआ होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और एक क्वेश्चन मार्क का साइन होगा उसमें, जो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फिगर आउट करनी है कि उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे रखा है टू, यहाँ पे दे रखा है थ्री और यहाँ दे रखा है 13, तो इसमें एक पैटर्न फॉलो है, आपको रिलेशन निकालना है कौन से पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पे क्या आ रहा है। या तो इसमें पैटर्न जो सीरीज होगी वो तो एडिशन में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी, ओके, या डिवीजन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा इस तरीके से, या फिर ओड नंबर फॉलो किए जाएंगे और किसी पर इवन नंबर एंड वाइस वर्सा, ओके। जैसे आपको इसमें रिलेशन निकालना है, 2, 3, 13 दे रखा है, तो इसमें रिलेशन निकालना है कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट भी दे सकते हैं। सपोज जैसे इसमें दे रखा है 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस कर दिए क्या बनता है 13। सिमिलरली हमें यहाँ पे एक वैल्यू दे दी 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे दे दिया 26। आपको इसमें रिलेशन निकालना है 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। इस तरीके से हमें रिलेशन निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक बॉक्स दे रखा है उसमें आपको सीरीज दे रखी है, आपको बताना है सीरीज में कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है। 2, 2, 4, 4, 8, 16, 6, ? 36। देखो इसमें क्या एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 4 4 2 8 8 2 16। यहाँ पे 2 से हो रही है, यहाँ पर भी 2 से हो रही है, यहाँ पर तो 2 की सीरीज चल रही है मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, यानी 6 18 18 2 36। यहाँ पर 2 से हो रही है, यहाँ पर 1 2 3 हो रहा है, ओके। यहाँ पे एक स्टार की शेप दे रखी है, इसमें मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया, बता देती हूँ 5 12 26 ? 110 222। आप देखो इसमें फिगर क्या हो रहा है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी डिवाइड तो हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई हो सकता है, एडिशन हो सकता है। अब एडिशन इतना लंबा टाइम बहुत तेज में जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन अभी देखते हैं, 5 को 12 पर ले जाके देखते हैं। 5 को 12 पर ले जाने के लिए 5 × 2 + 2 बन गया हमारा 12, है ना, 12 × 2 + 2 26 26 × 2 + 2 सब में (2+2)(2+2)(2+2), है ना, इस तरीके से हो रहा है। तो 26 × 2 + 2 क्या हो जाएगा 54 54 × 2 + 2 110 100 × 2 + 2 222। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, हमें कॉलम दे रखी है, रो दे रखी है, हमें फिगर आउट करना है क्या रिलेशन बन रहे हैं। 8 9 9 6 7 8 9 11 39 52 59। देखो ऊपर सिंगल सिंगल नंबर है, नीचे डबल डबल है ना, तो ये तो कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, या इस तरीके से, है ना, तो इस तरीके वाला ये जो कॉलम वाला पैटर्न है इसमें देखते हैं 8 × 48 48 × 9 बहुत बड़ी डिजिट हो रही है, कुछ माइनस भी हो रहा है, यानी 8 × 48 − 9 39 48 − 9। सिमिलरली 9 7 56 9 7 63 − 11 52। इसी तरीके से 9 7 9 8 क्या होगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जिसको माइनस करके यहाँ पे क्या डिजिट होगी, 9 8 72, तो हम क्या कर देंगे 72 − 59 क्या आ जाएगा हमारा 13। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13, ओके। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें थोड़ा पैटर्न अलग है, इसमें 2 क्वेश्चन मार्क है, 1 4 9 क्वेश्चन मार्क, 1 2 3 4 2 4 6 क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें हम बीच की जो रो है, ये जो बीच की रो है इसको हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, जैसे x यहाँ पर x मान लिया, जैसे हमने ये वैल्यू x की 1 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 4 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ 16 हो जाएगा, है ना। नीचे क्या हो रहा है 1 × 2 2 × 2 3 × 2, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 16 14 4 15 34 ? 3 16 15। इसमें क्या बना है, इसमें देखो जो बीच सेंटर में जो डिजिट है ये सबसे बड़ी है, जो सेंटर में डिजिट है सबसे बड़ी है, कॉलम में भी रोज में भी, है ना। तो हमें क्या देखना है, तीनों को एडिशन करके देखते हैं क्या आ रहा है, इसका 34 तीनों का एडिशन 34 आ रहा है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी तीनों का एडिशन 34 आ रहा है। रोज का भी देख लो आप, कॉलम का भी देख लो, कॉलम का रोज का देख लो, मतलब दो तीनों का एडिशन
करोगे करोगे ना तो 34 आ रहा है ना। यहाँ पर भी एडिशन करोगे, इसका भी एडिशन करोगे तो क्या आया हमारा 34। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसको एडिशन करने पे 34 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 34 को माइनस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, है ना। इसी तरीके से तो आंसर क्या आ गया 15। ओके नेक्स्ट देखते हैं, सर्कल की एक पैटर्न दे रखा है हमको, सर्कल के अंदर सर्कल है और ये पार्टीशन कर रखे हैं, यहाँ पे इनके अलग अलग पार्ट कर रखे हैं और बीच में डिजिट दे रखी है 4949 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको बता दें क्या है, आप ये देखो तीनों डिजिट जो है 4949 तीनों किसी न किसी के स्क्वायर बन रही है, है ना। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 कैसे बन रहा है 6 माइनस 4। यहाँ पर 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 2 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। आपको रीजनिंग के स्क्वायर तो पता ही होने चाहिए, डिजिट के स्क्वायर क्यों हो, जो मेन मेन डिजिट है जैसे 11 का स्क्वायर 121, 14 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, इस तरीके से आपको सबके पता होने चाहिए स्क्वायर हो। ठीक है, तो यहाँ पर 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या हो गया हमारा 1, इस तरीके से। ओके नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन लिए यहाँ पे ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा समझ आ जाए। 14 into 3 42 9 plus 4 13। अब ऐसा क्या आएगा जो हमारे को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 26 डिवाइड बाय 13 ये क्या आ गया हमारा 2 आ गया, यहाँ पर 2 डिजिट आएगी, 9 plus 4 13 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें डेटा किस तरीके से दे रखा है, यहाँ पे डिजिट है सर्कल पे एक डिजिट दे रखी है, यहाँ पे 3 डिजिट है और सर्कल में यहाँ डिजिट दे रखी है, यहाँ पर डिजिट है, यहाँ पे सर्कल में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ओके आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 3 1 है डिजिट, ठीक है। आप ये देखो 2 माइनस 1 1 आ रहा है, 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 1 क्या 1, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 4 1 बन गई 131। सिमिलरली 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 0 8, ठीक है। इसी सिमिलरली 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1 2, आंसर क्या आ गया हमारा 262। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये 4 डिजिट दी गई है, बीच में बॉक्स में एक डिजिट है, 4 डिजिट बीच में एक डिजिट, 4 डिजिट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपको देखो मैंने इसी वजह से बोला था आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये चारों डिजिट किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 26। ठीक है, यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है और ये 3 का और ये 9 का, सबको प्लस करके क्या आएगा हमारा 21। सिमिलरली यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और 64 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, क्या आएगा 13 प्लस 6 19 प्लस, ये आ गया हमारा 31 आंसर। ओके इस तरीके से, अब कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बस इसमें कुछ नहीं करना, पैटर्न फॉलो करना, आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, बाय, डू सब्सक्राइब माय चैनल।